बहाना भी दिया और मॉरल को बुस्टअप भी किया। निश्चित रूप से इनकी संवाद जनता के चलते जो गड़बड़ी हुई थी, आज इतने बड़े पैमाने पर हमारे नेता जो आए हैं, जो हमारे महागठबंधन के मित्र हैं, उनके अलावा भी हमारे जो साथी, हमारे जो अभिभावक लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, जबकि बिहार की क्या हालत है आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। कहीं बाढ़ से तबाह है, कहीं सुखाड़ से तबाह है, कहीं 24 घंटा के अंदर में 5 जगह गैंग रेप हो रहा है, कहीं यहाँ बगल में जहानाबाद है, सामुदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं उसके बावजूद भी इतने बड़े तादाद में जो आप लोग आए हैं, यह साबित करता है कि हाल में हुए उपचुनाव, चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें हम लोग चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, यह आना आप लोग का यह साबित करता है। निश्चित रूप से बहुत लोग अंतिम वक्ता नहीं है, लेकिन बहुत बात पहले ही वक्ता लोग बता चुके हैं नेहरू जी के और लोहिया जी के बारे में क्या संबंध था, उसके बारे में बहुत बात बताए हैं। हमारे सत्यनारायण बाबू कह रहे थे, घटना का उल्लेख किए थे, एक बार लोहिया जी जेल चले गए तो नेहरू जी ने अपने होम मिनिस्टर को पत्र लिखा जो उनके सुरक्षा का और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। लेकिन आज के प्रधानमंत्री अगर कोई विरोधी जेल चले जाए तो क्या क्या किया जाता है वो देख रहे हैं, लालू जी के केस में क्या क्या किया जा रहा है देख रहे हैं। और अगर वही आदमी बीजेपी का दामन थाम ले तो सभी पाप भूल जाता है, यही यहाँ का स्थिति है। यहाँ तो दल के बेदल लोग को तो जो किया जा रहा है वो समझ रहे हैं, दल में भी बोलने की आजादी किन्हीं को नहीं है। दो आदमी की सरकार चल रही है देश में और उसके अलावा सभी बेगाने। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ जो मंचासीन हमारे नेता है, सभी अपने आप में काफी मजबूत हैं, कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, उसी के चलते आपस में जो संवादहीनता नहीं हो रही है, इसके चलते कहीं कहीं आप लोग में भी गड़बड़ी होती है, हम लोग में भी होती है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बहुत बात नहीं करके एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये सभी नेता हम अपना छोड़ के स्टेट के बारे में और देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, न राज्य सरकार की सरकार रहेगी, न केंद्र की सरकार रहेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। केवल हम छोड़ के और लोहिया जी के पुण्यतिथि पर मैं आप सब नेताओं से और आप सभी आए हुए आगंतुकों से अनुरोध करता हूं कि लोहिया जी को यही श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सभी अपना छोड़ के राज्य के बारे में और देश के बारे में सोचे, यही हम समझते हैं लोहिया जी के बारे में सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं ज्यादा बात नहीं कहके, आप लोग इतने दूर से आए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।